विक्रांत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा विक्रांत उनको ये भी बताइएगा कि ईडी की तरफ से आखिर क्या दलील रखी गई कि अरविंद केजरीवाल को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ईडी ने क्या ऐसी बातें कही? देखिए, जुडिशियल कस्टडी जैसे ही पुलिस रिमांड खत्म होता है, जुडिशियल कस्टडी एक प्रोसेस है, जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाता है किसी भी एक्यूज को। तो इस मामले में क्योंकि ईडी ने अब रिमांड नहीं बढ़वाया, ईडी ने कहा कि जो बचे हुए दिन है पुलिस रिमांड के, वो बाद में जब भी जरूरत होगी तब इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए क्योंकि वो अभी उनका पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। तो इस कारण कोर्ट ने उनको अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में हमेशा एक्यूज को भेजा जाता है और 14 दिन बाद उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ जाएगी। तो ये जो रूटीन प्रक्रिया है, ये अब तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें बेल नहीं मिलती। तब तक के लिए अब तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। और जो उनकी दवाएं किताबें, उनकी अनुमति मिल गई है, दवाएं मेडिसिन के जो डॉक्टरों की सलाह, उसके मुताबिक उन्हें मिलती रहेगी जेल के भीतर भी। और बाकी जो जेल के नियम होंगे, अब उसी हिसाब से उनकी दिनचर्या चलेगी, उसी हिसाब से जेल में, क्योंकि मुलाकातियों का समय। अब जमानत के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है, क्या आगे की प्रक्रिया रहती है? देखिए, बेल इस मामले में पीएमएलए में बेल मिलना मुश्किल काम है क्योंकि इसकी कंडीशंस, जो कानून की कंडीशंस हैं, वे बेहद मुश्किल हैं। ट्विन कंडीशंस हैं कि एक्यूज ये पूरी तरीके से, कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाए कि एक्यूज इस मामले में प्राइमा फेशी शामिल नहीं है, तो ये किसी भी कोर्ट के लिए सेटिस्फाई हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और पीएमएलए कानून में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसीलिए विपक्ष भी इस मामले में हल्ला उठाता है। उसका ये कहना है कि इसकी धाराएं इतनी कड़ी हैं कि किसी को बेल नहीं मिलती, हालांकि ऐसा कानून, ये बात विक्रांत हम लौटेंगे आपके पास, आपके जरिए कुछ और डिटेल्स हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 या 5 में रखा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 नंबर जेल से 5 नंबर जेल में शिफ्ट भी किया गया था, जबकि मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। जेल नंबर 2 में ज्यादातर कन्विक्टेड कैदियों को रखा जाता है। देखिए, जेल नंबर 5 में 18 से 20 साल वाले विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है और तिहाड़ जेल की 7 नंबर जेल में सत्येंद्र जैन को फिलहाल रखा गया है। तो तैयारियां तेज कर दी गई हैं, केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। बैरक नंबर को लेकर जानकारी ये मिल रही है, जेल नंबर 2 में उन्हें रखा जा सकता है। आनंद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? कोर्ट से सीधा अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, इसे लेकर क्या डिटेल्स हैं? देखिए, थोड़ा समय लगेगा जब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। थोड़ा जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है पूरी, जब कोई भी आरोपी को जेसी में भेजा जाता है, इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो कुछ पेपर वर्क जो होते हैं वो पूरे होते हैं, तिहाड़ जेल को इसकी सूचना जो है वो दी जाती है और उसके बाद उन्हें जो है जो जाँच एजेंसी है वो तिहाड़ जेल जो है वो लेकर पहुँचती है। तो संभावना बताई जा रही है कि दोपहर तक या शाम तक जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल पहुँच सकते हैं और वहाँ पर अब तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं तिहाड़ जेल पर। ये तिहाड़ जेल को ये जानकारी मिल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब वो तिहाड़ जेल आने वाले हैं। तो जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, या तो 5 नंबर जेल या 2 नंबर जेल, अब तक जो जानकारी मिल रही है, इन दोनों जेल में से किसी एक जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। जो उनका जिस वार्ड में वो रहेंगे या जिस लॉकअप में रहेंगे, उसका भी जो मौका मुआयना है वो जेल अधिकारियों ने कर लिया है। हाई लेवल मीटिंग जो है वो पहले से ही हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा तिहाड़ जेल में रहेगी और उसको लेकर लगातार जो है वो तिहाड़ के अधिकारियों की नजर जो है वो अरविंद केजरीवाल पे बनी हुई है, क्योंकि एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल होने के साथ ही तिहाड़ जेल के ऊपर ये बदनामी का ठप्पा भी लगा हुआ है कि तिहाड़ जेल के अंदर कई मर्डर जो है अभी हाल में हुए हैं, कई खूंखार गैंगस्टरों की खूनी गैंगवार तिहाड़ जेल के अंदर हमने देखने को मिली है। और ऐसे में चूंकि अरविंद केजरीवाल पे थ्रेट परसेप्शन पहले से काफी ज्यादा है, तो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा तिहाड़ जेल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और सीसीटीवी से 24 घंटे जो उनका बैरक या उनका सेल है उसकी निगरानी भी जो है वो की जाएगी और सैनिटाइज जो है वो भी जेल नंबर 2 और जेल नंबर 5 को कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि सैनिटाइज पूरा जो बैरक है उसे किया जा रहा है। लेकिन तिहाड़ में अगर केजरीवाल रहते हैं तो कहां रहते हैं? अभी संभावना यही जताई जा रही है 2 या 5 नंबर में रह सकते हैं। अब जानकारी मिल पा रही है, अगर जेल नंबर 2 में गए तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से मिलेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल 5 नंबर बैरक में रहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ बैरक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही। तो 2 या 5 में से या तो मनीष सिसोदिया के साथ वो
बैरक जो है वो शेयर कर सकते हैं, या संजय सिंह जो बैरक नंबर 5 में हो सकते हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन ये जानकारी जरूर निकल कर आ रही है, या तो जेल नंबर 2 में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को, या जेल नंबर 5 में रखा जाएगा, और इससे पहले संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, इन्हीं 2 बैरक्स में उन्हें पहले रखा गया है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जेल नंबर 2 या 5 में अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे दें कि जेल नंबर 5 में गए तो संजय सिंह से मिलेंगे, जेल नंबर 2 में गए तो मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हो सकती है तिहाड़ में, लेकिन केजरीवाल जाएंगे ये कन्फर्म हो चुका है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। विक्रांत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, हम विकल्पों की बात कर रहे थे, एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो जारी है ही, लेकिन केजरीवाल के सामने क्या विकल्प फिलहाल नजर आते हैं? पीएमएलए के तहत हुई गिरफ्तारियों पर हम नजर डालें तो फिलहाल कहीं से कोई राहत उनके लिए नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी राहत दिखाई तो नहीं दे रही है फिलहाल, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया था, जिस पर ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है, और बुधवार को इस मसले पर जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी वो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, और उसके अलावा अब क्योंकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो अब उनके पास बेल के लिए अप्लाई करने का, आवेदन करने का मौका है। अब वो ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, देखना होगा कब उनके वकील इसे मुनासिब समझते हैं। हालांकि फाइल ही केवल उनके हाथ में है, क्योंकि बेल मिलना वो थोड़ा टफ है पीएमएलए के मामलों में, हमने देखा है मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद है, संजय सिंह इस समय जेल में बंद है इसी कानून के तहत, और सत्येन जैन वो लंबे समय से बंद है, उन्हें बीच में मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल जरूर मिली थी, लेकिन जैसे ही उनकी रेगुलर बेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल हियरिंग खारिज कर दी थी, उन्हें दोबारा से सरेंडर करना पड़ा, कस्टडी में जाना पड़ा, तो बेल मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, और उन्हें अभी क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए उन्हें कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा, और लेकिन बेल के लिए अप्लाई करने का उनका रास्ता खुल गया है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद ही बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो अब वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बाकी उनकी निगाहें होंगी हाईकोर्ट में, जो कल उनका मामला आएगा, माफ़ कीजिएगा, कल तक ईडी को जवाब देना है और परसों उनका मामला आएगा, तो उस पर हाईकोर्ट क्या रुख लेता है, क्या कोई इंटरिम रिलीफ देता है, इन सब चीज़ों को लेकर अब वो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि बेहद कम ही रिलीफ इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिला है। बिल्कुल, देखिए गोलवाल जवाब